पाक महीना रमज़ान अकीदत और अल्लाह की इबादत के लिए जानी जाती है। माह रमज़ान में लोग रोज़ा रखकर इबादत करते हैं। वैश्विक महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में अकालियत समाज के लोगों को घरों में रहकर इबादत करने का सरकारी निर्देश है, जिसकी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। रमज़ान में गरीब असहाय लोगों को पाक महीने में खाद्य सामग्री की कोई किल्लत न हो, इसके लिए राजद की ओर से रमज़ान किट का वितरण किया जा रहा है। चतरा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके और कोरोना संकट में ज़रूरतमंदों तक झारखंड के हर कोने में राशन सामग्री पहुंचाने वाले जननेता सुभाष यादव द्वारा मुहैया कराया गया रमज़ान किट कोडरमा जिले के विभिन्न इलाकों में खलील के द्वारा वितरित किया गया। राजद परिवार का जो बढ़ चढ़ का हिस्सा हुआ है, जो टीम बना के जो कार्य हो रहा है, चाहे वो जयनगर के लोगों के बीच में सामग्री बांटने का कार्य हो, चाहे मरकच्चों के बीच में बांटने का कार्य हो, चाहे अभी जो रमज़ान का जो खास करके अभी महीना चल रहा है, इसके पहले भी बहुत सारी सामग्रियाँ बांटी गई, गरीबों में बांटा गया, लेकिन विशेष रूप से हम रमज़ान किट का जो देख रहे हैं, जिस तरह से सुभाष यादव जी अभी जो बांट रहे हैं, दो दिन से जो बांटने का कार्य चल रहा है खास करके मुस्लिम समाज के बीच में, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है कि एक राजनेता के रूप में सुभाष यादव की पहचान है, लेकिन जिन्होंने जो मानवता के रूप में उन्होंने जो अपने आप को जो साबित किया है, जो दर्द उन्होंने दिखलाया है गरीबों के बीच में, और ये फिक्र उनको, ये कोडरमा में अभी वो नहीं है, लेकिन लगातार संपर्क हमारे ज़िला अध्यक्ष रामधन यादव जी के साथ उनका कोई दिन ऐसा नहीं है जो वे पूछते रहते हैं कि कोई ऐसा भूखा सो तो नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है। हम इसलिए नहीं, इस समय हिंदू मुसलमान गंगा जमुना की संस्कृति को बहाल करते हुए कौन ऐसा व्यक्ति है जो जात पात से उठकर हर समाज के साथ चलने का कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर जमीर से सवाल किया जाएगा तो जमीर एक जवाब देगी, और वो सुभाष यादव के नाम पर।